आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पिजन में जो फेदर्स पाए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हम एक टिपिकल फेदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसे कि इसमें अलग अलग तरह के फेदर्स पाए जाते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट में। तो जैसे कि जो विंग्स में पाए जाते हैं फेदर उनको फ्लाइट फेदर कहते हैं, और बॉडी फेदर भी होते हैं तो अलग अलग तरह के फेदर होते हैं और भी होते हैं, लेकिन हम इस एग्जाम्पल के लिए हम फ्लाइट फेदर के एक फेदर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फेदर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो होता है सेंट्रल एक्सिस और दूसरा होता है विंग। तो सेंट्रल एक्सिस जो ये बीच में पूरी ये लाइन है यहाँ तक नीचे तक, ये पूरा सेंट्रल एक्सिस है, और जो साइड में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं इन्हें वेन कहते हैं या वैक्सिलस कहेंगे। इसके बाद जो सेंट्रल एक्सिस है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो जहाँ तक वेन का पार्ट होता है वहाँ तक, वहाँ से ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम रेकिस या शाफ्ट कहेंगे या अपर पार्ट, ठीक है। और जो नीचे की ओर जो पार्ट होता है जहाँ पर वेन नहीं होते हैं उसे हम कैलेमस कहेंगे, कैलेमस या क्विल, कैलेमस या क्विल कहेंगे। अब जो कैलेमस और क्विल का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो जो कैलेमस और या क्विल है ये कैसा होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, अंदर से हॉलो होता है, ठीक है। ये वाला जो कैलेमस वाला पार्ट है ये इसकी जैसे कि ये पीजन है, पीजन की बॉडी स्किन है तो यहाँ से टच रहता है, और ये जो अंदर, ये अंदर की ओर जो अंदर से जो डर्मल पेपिला है वहाँ से निकला हुआ रहता है। तो इसका जो यहाँ नीचे की ओर एक छेद होता है, एपर्चर होता है, जो अंदर से डर्मल पेपिलाई से ब्लड वेसल्स और नर्व्स को लेता है, उसके द्वारा इस सेंट्रल एक्सिस के अंदर जाते हैं। तो जो छेद होता है या एपर्चर होता है उसे कहते हैं इन्फीरियर अम्बिलाइकस कहेंगे। इसके बाद जो सेंट्रल एक्सिस है इसके कैलमस और रेकिस को जो कनेक्ट करता है उसके जॉइनिंग पॉइंट पे एक और एपर्चर पाया जाता है जो अंदर की ओर होता है, उसे हम सुपीरियर अम्बिलाइकस कहेंगे। सुपीरियर अम्बिलाइकस के ऊपर कुछ पीजन में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते, कुछ एक्स्ट्रा फेदर्स पाए जाते हैं। तो इनको हम, जैसे कि ये रेकिस के नीचे है तो इसलिए हम इसे हाइपोरेकिस कहेंगे, ये वाले ये गुच्छे के रूप में निकलते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे फेदर्स होते हैं, किसी में बड़े होते हैं किसी में छोटे होते हैं। जो पीजन होते हैं उनमें ये हाइपोरेकिस छोटे होते हैं। तो इनका नाम हाइपोरेकिस किस लिए पड़ा, क्योंकि ये रेकिस के नीचे पाया जाता है, और इसको शाफ्ट भी कहते हैं, रेकिस या शाफ्ट, रेकिस या शाफ्ट। तो इसके जो फेदर्स हैं इनको हाइपोरेकिस कहेंगे या आफ्टर शाफ्ट कहेंगे। इसके बाद ये जो इसका जो रेकिस और शाफ्ट है ये कैसा होता है, बहुत स्टिफ होता है और हार्ड होता है, और ये ओपेक होता है। तो ये कैसा होता है, हार्ड होता है और स्टिफ होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्वाड्रेंगुलर होता है, मतलब ऐसे। तो इसमें पीछे की साइड में, वेंट्रल साइड में यहाँ पे पूरी लाइन में एक ग्रूव पाया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये ग्रूव होता है और ये इस टाइप से होता है, इसके अंदर पिट सेल्स पाए जाते हैं। जो ये कैलमस होता है ये अंदर से हॉलो होता है, लेकिन ये अंदर से पिट सेल से भरा हुआ होता है। इसके बाद यहाँ से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, ये ऑब्लिक की तरह निकले हुए होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, बाब्स या रेमी कहेंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, बाब्स या रेमी कहेंगे। इसके बाद जैसे कि हम इसके एक छोटे से पार्ट को कट करके देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है, तो वो यहाँ पे देखते हैं। तो ये इसका रेकिस का पार्ट आ गया, रेकिस से फिर यहाँ से ऑब्लिक के शेप में जो निकलते हैं बाब्स या रेमी कहेंगे। इनसे अब क्या निकलते हैं, सेकेंडरी बाब्स निकलते हैं जिन्हें बारब्यूल्स या रेडियाई कहेंगे। तो वो रेडियाई किस तरह से होते हैं, जैसे कि पीजन होता है इसकी स्किन नीचे की ओर होती है, बॉडी का पार्ट यहाँ होता है, तो जो नीचे की ओर बाब्स, नीचे की ओर जो
बार्बील्स निकलते हैं या रेडियाई निकलते हैं उन्हें हम कहेंगे प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल बार्बील्स, ठीक है, इन्हें प्रॉक्सिमल बार्बल्स कहेंगे क्योंकि ये बॉडी के पास में है। इसके बाद जो बाप्स है उसके ऊपर से जो निकलते हैं बार्बल्स उन्हें हम डिस्टल बार्बल्स कहेंगे, क्योंकि ये वाले तो बॉडी की ओर होते हैं, डायरेक्शन बॉडी की ओर होता है, लेकिन ये बॉडी से ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो इसलिए इनको हम डिस्टल बार्बल्स कहेंगे। जो डिस्टल बार्बल्स है इनके ऊपर ये छोटे छोटे हुकलेट्स निकले हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, बार्बी सेल्स कहेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जैसे कि ये डिस्टल्स डिस्टल बार्बल्स हैं, यहाँ से ये छोटे छोटे हुकलेट्स, ये इस तरह से हुकलेट्स निकले हुए होते हैं, इन हुकलेट्स को क्या कहेंगे, ये बार्बी सेल्स कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो प्रॉक्सिमल बार्बल्स हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि जैसे कि ये पूरा, ठीक है, यहाँ से फिर अंदर से एक कर्व लेता हुआ ऐसे ऊपर की ओर मुड़ जाता है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कर्व लिए मुड़ जाएगा। ये ऐसे मुड़ जाता है, जैसे कि ऐसे था लेकिन अंदर से ऐसे उल्टा होके मुड़ जाता है, तो ये देखिए स्ट्रक्चर इसका इस तरह से मुड़ जाता है। तो ये मुड़ जाने के बाद में जो ये हुकलेट्स निकले हुए होते हैं बार्बी सेल्स, ये इसके अंदर फिट हो जाते हैं इस तरह से, ये इसके अंदर फिट हो जाते हैं, तो ये ओवरलैप होके इंटरलॉक्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर बनता है। तो इस तरह से ये फैदर है हमें अच्छे से व्यवस्थित होते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी जैसे कि हुकलेट से ये हुकलेट्स है ये इससे बाहर निकल जाते हैं, तो जब हम इनके ऊपर दोनों हाथों को ऐसे दबा के फेरते हैं तो ये वापस अपने जो पहले के स्टेज है उस स्टेज में चला जाता है, मतलब इस स्टेज में क्या होगा, वापस ये इंटरलॉक्ट हो जाएंगे। तो ये था एक फैदर का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि ये फैदर है, हमने फ्लाइट फैदर लिया है, तो फ्लाइट फैदर ये किस तरह से व्यवस्थित होते हैं इसके पिजन की बॉडी में, तो हम वो देखते हैं। जैसे कि फैदर्स अलग अलग तरह के होते हैं, तो जहाँ जो हम देख अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा है वो फैदर है, क्विल फैदर या फ्लाइट फैदर कहेंगे, दोनों में से एक कहेंगे, क्विल या फ्लाइट फैदर। ठीक है, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो क्विल या फ्लाइट फैदर है इसके अंदर भी थ्री टाइप्स के फैदर्स पाए जाते हैं, लेकिन जिसके बारे में हमने पढ़ा है वो है रेमेजिस। ठीक है, तो हम रेमेजिस के बारे में देखते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए ये इसका हाथ है, ठीक है, हाथ फिर यहाँ पे तीन फिंगर से, यहाँ पे ये फर्स्ट डिजिट, ये वाली सेकेंड डिजिट, ये जो पिंक कलर की है ये सेकेंड डिजिट, और ये वाली थर्ड डिजिट। ठीक है, तो क्या होता है कि इनमें 23 फैदर्स निकलते हैं, तो इन फैदर्स को हम अलग अलग पार्ट में देखते हैं, तो ये किस तरह से होते हैं, तो देखिए जो फर्स्ट से फोर्थ तक के हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, डिजिटल्स, क्योंकि ये अंगुली पे है, ये यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं इस तरह से, ये यहाँ पे इससे जुड़े हुए होते हैं, तो ये अंगुली से निकले हुए होते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, डिजिटल्स कहेंगे। अब डिजिटल्स में भी इसमें जो पहले फर्स्ट और सेकंड है ये एक फैलेंग्स से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए जो पहले आता है फैलेंग्स उससे जुड़े हुए होते हैं तो उसे प्री डिजिटल्स कहेंगे, और इसके बाद जो फैलेंग्स है उससे जो जुड़े हुए होते हैं उन्हें मिड डिजिटल्स कहेंगे। तो ये डिजिटल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। के बाद इसका जो मेटाकार्पल्स है उससे जो जुड़े हुए होते हैं उनको मेटाकार्पल्स कहेंगे। तो मेटाकार्पल्स कहाँ से होते हैं, 5 to 11 होते हैं, तो ये मेटाकार्पल्स हैं। अब मेटाकार्पल्स में भी जो फिफ्थ वाला डिजिट है, वाला फैदर है, ये किससे जुड़ा हुआ होता है, फिक्स थर्ड डिजिट से जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए इस फैदर को हम एड डिजिट भी कहेंगे। तो ये डिजिट फैदर है, ये मेटाकार्पल्स में भी आता है और इसको हम एड डिजिट भी कहेंगे, क्योंकि ये थर्ड जो अंगुली है उससे जुड़ा हुआ होता है।
इसके बाद जो 12 से 23 तक आते हैं इनको, जैसे कि ये 1 to 11 है, इनको प्राइमरीज कहेंगे क्योंकि ये हथेली से जुड़े हुए होते हैं, और जो अल्ना और रेडियस से जुड़े हुए होते हैं, अल्ना और रेडियस से जुड़े हुए होते हैं उनको हम सेकेंडरीज कहेंगे। तो सेकेंडरीज कहाँ से है? 12 to 23। तो ये सेकेंडरीज है, सेकेंडरीज को हम क्यूबाइटल्स भी कहेंगे, और जो 1 to 11 है इनको प्राइमरीज कहेंगे। इसके बाद जो हाथ के ऊपर आता है ह्यूमरस, तो ह्यूमरस से जो फेदर जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम टर्शियरी कहेंगे। तो इस तरह से हम इन फेदर को डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरीज, सेकेंडरीज और टर्शियरीज। इसके बाद जो इसके है, इससे जो फेदर जुड़े हुए होते हैं इनको हम क्या कहेंगे? एला स्पूरिया या बेस्टर्ड फेदर। तो ये जो हम एला स्पूरिया या बेस्टर्ड फेदर, तो ये था हमारा इसका, कि इसके फेदर का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। थैंक यू।